रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, देश उनको नमन कर रहा है और याद कर रहा है। दरअसल रतन टाटा सिर्फ इसलिए याद नहीं की जा रहे कि वो एक सफल कारोबारी थे, बल्कि वो इसलिए भी याद किए जा रहे हैं क्योंकि वो सबके रतन थे और इसके पीछे की जो वजहें थी उन्हें रतन टाटा की इन अनसुनी अनजानी कहानियों के जरिए सुनिए। Whether it was his staff, whether it was his dogs, you know, I've often said this about how he refused an invitation by King Charles, then Prince Charles, to go to Buckingham Palace to receive a lifetime achievement because Tito, one of his dogs, was unwell. That shows you character. अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ जो कनेक्ट रतन टाटा का था वो दूसरे किसी भी इतने सफल उद्योगपति में नहीं देखा गया। ये कहानी साल 2004 की है जब पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें डॉक्टर ने पुणे से मुंबई रेफर किया लेकिन रविवार होने की वजह से एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो सका। रतन टाटा एक ट्रेन पायलट थे, उन्होंने कहा कि वो प्लेन खुद उड़ाकर मुंबई ले जाएंगे। बाद में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया और कर्मचारी की जान बच गई। लेकिन इससे साबित हो गया कि रतन टाटा पेशे से अलग अपने कर्मचारियों का किस हद तक ख्याल रखते थे। रतन टाटा भले ही टाटा के बिजनेस एम्पायर की विरासत संभालने वाले सबसे कामयाब इंडस्ट्रीज बने, लेकिन उन्होंने काम की बारीकी किसी आम कर्मचारी की तरह ही सीखी। रतन टाटा ने टाटा कंपनी के बजाय IBM से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इसकी खबर मिलते ही उस वक्त टाटा कंपनी के चेयरमैन JRT टाटा बेहद नाराज हो गए और तब रतन टाटा को टाटा कंपनी में नौकरी के लिए रिज्यूम भेजना पड़ा। लोग कहते हैं कि रिज्यूम उन्होंने IBM के दफ्तर में एक पुराने टाइपराइटर से बनाया था। रिज्यूम देखने के बाद ही JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा कंपनी में नौकरी दी। रतन टाटा 21 साल तक टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा बने रहे। इस दौरान टाटा कंपनी ने 100 से अधिक मुल्कों में अपनी जगह बनाई। हालांकि खुद रतन टाटा सादगी का प्रतीक बने रहे। उनका अपना नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए था जो कंपनी की कुल संपत्ति के 0.50% से भी कम था। मुंबई में उनका बंगला बख्तावर 13,350 स्क्वायर फीट में है, लेकिन इस बंगले में सिर्फ 3 मंजिल हैं और रतन टाटा यही सादगी से अपने पेट डॉग्स के साथ रहा करते थे। रतन टाटा के निधन के बाद उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें उनकी सरल जिंदगी की वानगी दिखा रही हैं। जैसे इस तस्वीर को देखिए, इसमें रतन टाटा JRD टाटा के साथ दिखाई दे रहे हैं। JRD टाटा टाटा कंपनी की एक फैक्ट्री में छोटी जीप में बैठे हैं। JRD टाटा कंपनी के सुपरवाइजर और कर्मचारी के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन वही रतन टाटा साधारण पैंट शर्ट पहने जीप में नीचे बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि रतन टाटा किसी भी मौके पर अपने कर्मचारियों को सम्मान देना बखूबी जानते थे। वायरल हो रही दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा छुट्टियों में भारत आए थे और टाटा कंपनी के एक प्लांट में विजिट कर रहे थे। तस्वीरों में देखिए रतन टाटा कंपनी के सीनियर अधिकारियों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। रतन टाटा की जिंदगी बेहद फोकस्ड और नियंत्रित थी। रतन टाटा अपनी कंपनी के मैन पावर को वाकई पावर देना चाहते थे। करीबी लोग बताते हैं कि वो अपने जूनियर कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध रहते थे। रतन टाटा के आसपास कंपनी के कर्मचारियों और सचिव की भीड़ नहीं रहती थी। इसे सुनिए, मीटिंग के लिए नासिक जाते वक्त रतन टाटा की गाड़ी पंक्चर हो गई। उनके साथ सीनियर ऑफिसर इधर उधर टहल रहे थे लेकिन रतन टाटा पंक्चर बनाने वाले की मदद कर रहे थे। रतन टाटा ने टाटा समूह में साधारण कर्मचारी की हैसियत से काम सीखा था। उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में जमशेदपुर की स्टील फैक्ट्री में एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह वक्त गुजारा था। अप्रेंटिसशिप के दौरान रतन टाटा साधारण पोशाक में ही रहते थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।